अब देखिए बेटा क्या है, इसके बाद फिर अब हमारा आता है देखिए बेटा फंडामेंटल राइट्स। तो अब देखिए बेटा क्या है कि जो हमारा एक टॉपिक आ जाता है देखिए बेटा फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल देखिए बेटा क्या है 12 से देखिए बेटा क्या है 15 तक। अब देखिए बेटा जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हमारे देखिए बेटा फंडामेंटल राइट्स देखिए बेटा हमने कहां से लिए, यूएसए से, है ना। तो जैसे देखिए बेटा हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें कि व्हाट इज देखिए बेटा फंडामेंटल राइट्स, या दैट सोर्सेज, या देखिए बेटा दैट जो है थिंग्स, है ना, विच प्रोवाइड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, नॉन एज क्या है फंडामेंटल राइट्स, कि किसी भी पर्सन के देखिए बेटा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो देखिए बेटा मीन्स से रिसोर्सेज देखिए बेटा प्रोवाइड कराए, वो क्या कराए देखिए बेटा फंडामेंटल राइट। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए बेटा जब फंडामेंटल राइट की देखिए बेटा बात आई तो हमारा देखिए बेटा क्या है, ब्रिटेन जो है देखिए बेटा पहली कंट्री थी जिसने फर्स्ट टाइम देखिए बेटा फंडामेंटल राइट की देखिए बेटा डिक्लेरेशन करी, कब, 1215, है ना। तो देखिए बेटा ब्रिटेन में कौन थे, हमारा जेम्स देखिए बेटा फर्स्ट थे, है ना, कि जेम्स देखिए बेटा क्या था कि वहां के देखिए बेटा पीएम थे जिन्होंने देखिए बेटा क्या है 1215 में देखिए बेटा कुछ राइट्स प्रोवाइड कराए जो देखिए बेटा वहां पर क्या कहलाए, राइट टू मैग्ना कार्टा, है ना। तो वहां देखिए मैग्ना कार्टा का मतलब कि लार्ज स्केल पर देखिए बेटा डिक्लेरेशन का करना, है ना। तो अब देखिए बेटा इंडिया में भी फंडामेंटल राइट टू मैग्ना कार्टा ही कहे जाते, क्योंकि तो इससे ज्यादा देखिए बेटा राइट्स इंडियंस के लिए और कुछ नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखिए बेटा जब यहां पर ये कर दिए गए तो इसी डिक्लेरेशन से देखिए बेटा इंस्पायर्ड हुआ कौन, यूएसए, और यूएसए ने देखिए बेटा फंडामेंटल यानी कि एफवी बिल को देखिए बेटा एक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। क्या हमारा देखिए बेटा क्या है फंडामेंटल बिल लेकर आए, या राइट टू देखिए बेटा क्या है पर्सन बिल लेकर आए, ठीक है, कि कौन सा देखिए बेटा राइट टू पर्संस बिल, कि लोगों के देखिए बेटा अधिकारों का बिल आ गया, और इसको देखिए बेटा यूएसए गवर्नमेंट ने देखिए बेटा पास कर दिया। तो यूएसए गवर्नमेंट इज अ देखिए बेटा फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विच प्रोवाइडेड देखिए बेटा क्या है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। कि भाई रिटर्न में देखिए बेटा क्या है, सबसे पहले देखिए बेटा फंडामेंटल राइट का प्रोविजन किसने किया, यूएसए ने। तो हमने भी देखिए बेटा क्या है इनको कहां से अडॉप्ट कर लिया, यूएसए से। फ्रांस ने भी देखिए बेटा कहां से कर लिया, यूएसए से। दूसरे ने भी कहां से कर लिया, यूएसए से कर लिया। अब देखिए बेटा जब कर लिया तो इंडिया में भी देखिए बेटा फंडामेंटल राइट्स की देखिए बेटा डिमांड की गई। अब देखिए बेटा जब फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई तो इंडिया में देखिए बेटा नेशनल मूवमेंट की देखिए बेटा सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, है ना। कि भाई इतिहास में भी देखो बेटा अभी तक यही पढ़ते हैं हम लोग, और वैसे भी देखिए बेटा अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी देखिए बेटा नेशनलिज्म की बात करने वाली क्या है, कांग्रेस पार्टी ही थी। अब देखिए बेटा जब कांग्रेस पार्टी थी तो कांग्रेस पार्टी की देखिए बेटा कॉन्फ्रेंस हुई, है ना, क्या हमारी देखिए बेटा दो कॉन्फ्रेंस हुई, एक 1918 और एक देखिए बेटा 19 देखिए बेटा क्या है 31। ये हुआ देखिए बेटा बॉम्बे कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस, ये हुआ देखिए बेटा कराची कॉन्फ्रेंस ऑफ क्या है कांग्रेस। तो देखिए बेटा क्या था, क्या हमारे देखिए बेटा क्या है कि अकॉर्डिंग टू देखिए बेटा दिस कॉन्फ्रेंस फर्स्टली डिमांड देखिए बेटा क्या है फंडामेंटल राइट्स। तो कांग्रेस के देखिए बेटा किस कॉन्फ्रेंस में देखिए बेटा क्या है डिमांड की गई, बॉम्बे कॉन्फ्रेंस में। लेकिन फंडामेंटल का देखिए बेटा जो रेसोल्यूशन था वो पास हुआ देखिए बेटा कराची कॉन्फ्रेंस में। दो चीजें ध्यान रखना देखिए बेटा, कि फंडामेंटल राइट्स का रेसोल्यूशन देखिए बेटा कांग्रेस के किस कॉन्फ्रेंस में पास हुआ, कराची। फंडामेंटल राइट ही देखिए बेटा कांग्रेस का किस कॉन्फ्रेंस में देखिए बेटा फर्स्ट टाइम डिमांड की गई, बॉम्बे कॉन्फ्रेंस। ये बात क्लियर हो रही बेटा। फिर उसके बाद देखिए बेटा इंडिया में और भी देखिए बेटा जब यहां पर चलती चली गई, फिर उसके बाद देखिए बेटा हमारा क्या है नेहरू रिपोर्ट आई, फिर देखिए बेटा हमारी नेहरू रिपोर्ट आई,
कब 1928। अब है ना, आप देखिए बेटा 1928 में देखिए बेटा जब नेहरू रिपोर्ट आई, तो इस नेहरू रिपोर्ट में देखिए बेटा 19 टाइप्स देखिए बेटा फंडामेंटल राइट का प्रोविजन किया गया। कितने? 19, ठीक है। लेकिन नेहरू रिपोर्ट भी देखिए बेटा इंडिया में क्या है, अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि साइमन कमीशन और जो इरविन थे देखिए बेटा उन्होंने क्या है इसे रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट करने का रीजन क्या था, मतलब नेहरू रिपोर्ट को क्यों रिजाइन जो है एक्सेप्ट नहीं किया ब्रिटिश गवर्नमेंट। हमारी डिमांड को ही तो फुलफिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था। जो हमारे देखिए बेटा वायसराय थे, वायसराय नहीं बोलेंगे, जो है स्टेट सेक्रेटरी बोलेंगे ऑफ इंडिया। तो देखिए बेटा जब एक तरीके से देखिए बेटा क्या था कि जो 19 देखिए बेटा 19 का जो देखिए बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, तो उसको देखिए बेटा अपोज कर रहे थे इंडियंस, विशेष करके इसको साइमन कमीशन। तो वर्किंग जो हेड थे देखिए बेटा स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने इंडियंस को देखिए बेटा ये चैलेंज किया कि वो ऐसा देखिए बेटा कॉन्स्टिट्यूशन देखिए बेटा बनाए जो ऑल क्लास एंड देखिए बेटा पॉलिटिकल पार्टीज उसको एक्सेप्ट कर ले, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको कंसीडर कर लेगी, ठीक है। अब देखिए बेटा जब कंसीडर कर लेगी तो इसी रीजन से देखिए बेटा 3 ऑल पार्टीज देखिए बेटा कॉन्फ्रेंस हुए, कहां कहां, लखनऊ, दिल्ली और बॉम्बे। तो दिल्ली, बॉम्बे और लखनऊ, मतलब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मतलब था मुस्लिम लीग तुम भी आओ, जस्टिस पार्टी तुम भी आओ, अछूत फेडरेशन तुम भी आओ, सब आओ और सब मिलके देखिए बेटा किसी चीज पर क्या है करते हैं। तो जब ऑल पार्टीज देखिए बेटा कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली और बॉम्बे, तो यहीं पर देखिए बेटा मोतीलाल नेहरू की देखिए बेटा लीडरशिप में या चेयरमैनशिप में एक कमेटी बन गई जो क्या कहलाई देखिए बेटा नेहरू रिपोर्ट। और इसी नेहरू रिपोर्ट को देखिए बेटा कांग्रेस के ऑल पार्टीज देखिए बेटा लखनऊ कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट किया कांग्रेस, है ना। तो अब देखिए बेटा नेहरू रिपोर्ट को देखिए बेटा जो अब आई, तो नेहरू रिपोर्ट देखिए बेटा जो एस्टैब्लिश था या नेहरू रिपोर्ट में जो इंडियंस देखिए बेटा रखना चाह रहे थे वो क्या रखना चाहते, स्वराज। भाई दो ही मांग चल रही थी, एक डोमिनियन स्टेट और एक स्वराज। तो अब देखिए बेटा यहां पर जो थी वो पूर्ण स्वराज की बात करने की कर रहे थे कि इंडियंस क्या डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट दे नहीं रही थी। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंसी। तो हमारा देखिए बेटा क्या है कि नेहरू रिपोर्ट को जब देखिए बेटा क्या है एस्टैब्लिश किया गया कमिटी को, तो नेहरू रिपोर्ट में देखिए बेटा प्रोविजन किया गया डोमिनियन स्टेट का, डोमिनियन डोमिनियन स्टेट, ठीक है, डोमिनियन स्टेट देखिए बेटा बात हो गई। लेकिन देखिए बेटा क्या कहा गया कि जो हमारा पूर्ण देखिए बेटा क्या है स्वराज होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट गोल होगा। रिसेंटली गोल क्या होगा देखिए बेटा नेहरू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, डोमिनियन स्टेट, और देखिए बेटा नेक्स्ट गोल क्या होगा हमारा, पूर्ण स्वराज। यानी कहने का मींस क्या था कि द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज डू नॉट डिस्क्राइब बाई देखिए बेटा क्या है जो है नेहरू रिपोर्ट, कि नेहरू रिपोर्ट में देखिए बेटा पूर्ण स्वराज का प्रोविजन नहीं था, केवल किसका प्रोविजन था देखिए बेटा डोमिनियन स्टेट का। क्या होता है डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट का मींस ये था कि हमें जो गवर्नेंस का राइट है वो इंडियंस को दो और उन्हें कंट्रोलिंग पावर ब्रिटिश अपने पास रखे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं देखिए बेटा स्वशासन, सेल्फ गवर्नेंस। तो डोमिनियन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है देखिए बेटा वो सेल्फ गवर्नेंस है, यानी सेल्फ गवर्नेंस क्या है, इंडियंस की गवर्नेंस, ठीक है। तो सेल्फ गवर्नेंस होगी किसकी, इंडियंस की, लेकिन इनके लिए लॉ, इनकी कंट्रोलिंग सब राइट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास होंगे। तो जब देखिए बेटा इसका प्रोविजन नहीं हुआ नेहरू रिपोर्ट में, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने देखिए बेटा इसको क्रिटिसाइज किया, इसको नेहरू रिपोर्ट को किया। और नेहरू रिपोर्ट को क्रिटिसाइज करते हुए कौन सी पार्टी बनाई कांग्रेस में, कौन सा, इंडियन इंडिपेंडेंस फोरम बनाया था। हाँ भाई पढ़ा है नहीं,
इंडियन इंडिपेंडेंस फोरम बनाया था। और देखिए बेटा जब इंडियन इंडिपेंडेंस फोरम बनाया तो इंडियन इंडिपेंडेंस फोरम के से ही देखिए बेटा क्या है, नेहरू रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया। और जब क्रिटिसाइज किया तो देखिए बेटा जिन्ना किससे मिलते हैं, आगा खां से। और आगा खां से मिलकर देखिए बेटा उन्होंने 14 देखिए बेटा आइटम्स प्रोग्राम देखिए बेटा प्रेजेंट कर दिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कह रही थी, भाई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जो सबको एग्री हो, सब भाई शीतल भी एग्री हो, है ना, ज्योति भी एग्री हो, हमारा जो है शशांक भी एग्री हो, ठीक है। अब ना शीतल एग्री उसमें है, क्यों, क्योंकि सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। तो इससे देखिए बेटा साइमन कमीशन या इरविन ने देखिए बेटा इसको रिजेक्ट कर दिया। और जब रिजेक्ट कर दिया तो देखिए बेटा चैलेंज किया गया कि विद इन ईयर अगर नेहरू रिपोर्ट को देखिए बेटा एक्सेप्ट नहीं किया तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट कहां देने वाली थी, तभी देखिए बेटा लाहौर कॉन्फ्रेंस हुआ। और लाहौर कॉन्फ्रेंस में देखिए बेटा क्या कह दिया कि हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे, कब, 26 जनवरी 1930 को। तो पहला देखिए बेटा क्या है, इंडिपेंडेंस जो है सेलिब्रेट हुआ देखिए बेटा कहां, पूरे इंडिया में, उत्तराखंड में कहां नहीं हुआ। और कौन सा इंसिडेंट हुआ, दो बता दो बस, कहां रहते हो उत्तराखंड में बताओ, अभी नहीं, कहां के रहने वाले हो, अल्मोड़ा में ही हुआ है ना, अल्मोड़ा नगर पालिका इंसिडेंट, ठीक है बेटा, इसीलिए इससे ही पूछा, बात समझ में आ रहे बेटा। तो अब देखिए बेटा क्या है कि जब आया तो देखिए बेटा नेहरू रिपोर्ट में क्या है, क्रिटिसाइज हो गई कांग्रेस में। तो देखिए बेटा क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कांग्रेस भी देखिए बेटा क्रिटिसाइज कर रही है, मुस्लिम लीग भी क्रिटिसाइज कर रही, अंबेडकर जी अलग कर रहे हैं। तो जब सार किया तो देखिए बेटा इसको रिजेक्ट कर दिया, है ना, हटाऊं जरा। अब देखिए बेटा जब नेहरू रिपोर्ट आई तो हमारे देखिए बेटा नेहरू रिपोर्ट में देखिए बेटा 19 टाइप्स के देखिए बेटा फंडामेंटल राइट की बात की थी। तो नेहरू रिपोर्ट का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था भाई, चेयरमैन तो ये थे। सवाल आता है देखिए बेटा ये क्या ना, क्या देखिए बेटा ये क्वेश्चन पूछता है कि इसका ड्राफ्ट या देखिए बेटा इसका स्ट्रक्चर किसने प्रिपेयर किया था। तो चेयरमैन तो थे देखिए बेटा मोतीलाल नेहरू, लेकिन इसका ड्राफ्ट जो प्रिपेयर किया था वो किया था देखिए बेटा हमारे तेज बहादुर सप्रू, है ना, लिबरल जो है लीडर माने जाते हैं इंडिया के, ठीक है बेटा, तेज बहादुर सप्रू लीडर है, सप्रू तेज बहादुर सप्रू लिबरल लीडर ऑफ इंडिया, है ना, गरम दल नरम दल पढ़ा ना, तो ये नरम दल वाले हैं, हाँ ठीक है बेटा, यहां पर ये चीज आ गई। तो अब देखिए बेटा जब यहां पर नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया तो यहां पर देखिए बेटा 19 टाइप के थे। फिर इंडिपेंडेंस देखिए बेटा क्या है, इंडिया की बात करने लगी तो हमारे देखिए बेटा फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज राइट्स देखिए बेटा कमेटी फाउंड हुई, इसकी लीडरशिप में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अ कमेटी वाज सेट अप देखिए बेटा अंडर द लीडरशिप ऑफ देखिए बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल, बनी थी कौन सी, फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज राइट्स कमेटी बनी। इसकी दो हेल्पिंग कमेटी और भी थी, नाम पता है क्या उसके, सरदार वल्लभ, देख लो ऐसे हिंदी में बता देता हूं, जो है देखिए बेटा मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति जो बनी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखिए बेटा लीडरशिप में बनी, क्या कौन कौन से फंडामेंटल राइट रखे जाएं और कौन कौन से देखिए बेटा माइनॉरिटीज को स्पेशल राइट्स दिए जाए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल देखिए बेटा क्या है, अ कमेटी वाज सेट अप अंडर द लीडरशिप ऑफ देखिए बेटा क्या है सरदार वल्लभ भाई ऑन द इशूज ऑफ देखिए बेटा माइनॉरिटीज एंड फंडामेंटल राइट, ये बात क्लियर हो रही। इसकी देखिए बेटा दो कमेटी और थी, एक एच सी मुखर्जी और हुई एच सी मुखर्जी, ये थे कि बेटा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, है ना, जैसे हमारे देखिए बेटा आपने सच्चिदानंदन सिन्हा का नाम सुना होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुना होगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो देखिए बेटा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के देखिए बेटा हेड थे, तो जो डिप्टी हेड थे वो देखिए बेटा एच सी मुखर्जी ही थे। तो दो कमेटी बनी थी देखिए बेटा, तो हमारा देखो बेटा पूछ लेता है ये, आप देख लो क्या देखिए बेटा क्या है फंडामेंटल राइट एंड देखिए बेटा क्या है माइनॉरिटीज राइट कमेटी सेट अप अंडर द लीडरशिप ऑफ देखिए बेटा क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए बेटा क्या है
कि सरदार पटेल कमेटी आल्सो हैव टू एसोसिएट कमेटीज, तो उसकी दो एसोसिएट कमेटीज भी थी, एक देखिए उठा फंडामेंटल राइट और एक देखिए उठा माइनॉरिटीज कमेटी, मतलब हेल्पिंग कमेटी, एसोसिएट का मतलब हेल्पिंग सहायक है ना। तो एक के देखिए उठा चेयरमैन कौन थे, जो फंडामेंटल राइट थी एससी मुखर्जी, जो माइनॉरिटीज थी देखिए उठा कौन, जेबी कृपला। अब देखिए उठा जब आई तो इसी कमेटी की देखिए उठा रिकमेंडेशन पर क्या रखे गए, देखिए उठा फंडामेंटल राइट, इसमें पार्ट थर्ड आर्टिकल 12-35, ठीक है। और ये कहां से देखिए उठा माना जाता है, कहां से अडॉप्ट किए, यूएसए। अब देख लो बेटा जब कर लिए तो मैंने आपको बता दिया देखिए बेटा फंडामेंटल राइट बेसिकली क्या है, रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द क्या है, पर्सन, क्या भाई पर्सन की डेवलपमेंट के लिए, देखिए बेटा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो भी देखिए बेटा चीजें रखी गई वो क्या कहलाए, सब फंडामेंटल राइट कहलाए। अब फंडामेंटल राइट में देखिए बेटा क्या है, तो पहला आ जाता है देखिए बेटा आर्टिकल 12, क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है भाई चांदनी, डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताओ जरा कुछ तो, देखो डिस्कशन कर लें, देखो यहां से कभी सवाल नहीं पूछता है ना, दो चार पांच, चार पांच आर्टिकल हैं लेकिन पढ़ना तो पड़ता ही है ना, तो ये पूछ लेता कभी कभी भाई, अच्छा बताओ स्टेट किसे कहते हैं, है ना, जैसे जब इंटरव्यू देने चले गए तुम तो वहां तो देखिए बेटा क्या है, बोर्ड ये चाहता है कि हम आपसे बातचीत के लिए आपको पहले प्रिपेयर कर लें, तो अब देखिए बेटा प्रिपेयर करें तो उसके लिए क्या होता है, नॉर्मल सवाल पूछता है, ऐसा नहीं बहुत तुम गए और जाते ही जो है तोप गए ना, पहले नॉर्मली ताकि आप देखिए बेटा बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बोर्ड चाहता है कि भाई आप उससे जो है हेल्थी डिस्कस हो। तो अब तो देखिए बेटा क्या है, बहुत फेयर हो गया इस बार, जैसे एपीओ का जो इंटरव्यू हुआ उसमें सिर्फ एक कोड नंबर होता है, तो जो बोर्ड होगा उसके पास ना तो तुम्हारा नाम होगा ना तुम्हारे क्या है कोई इंफॉर्मेशन, कुछ नहीं होगा, सिर्फ उस कोड के बेस पे ही अब इंटरव्यू होगा, है ना। जैसे मान लो भाई सीता रावत, मैं भी रावत, तो मैंने क्या कर लिया, चलो भाई थोड़ी फेवर, है ना, तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के लिए देखिए बेटा अब इससे ये प्रोविजन हो गया नया कि सिर्फ कोड के बेस पर ही देखिए बेटा क्या होगा, इंटरव्यू होगा, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन देखिए बेटा कैंडिडेट की बोर्ड के पास नहीं हो, कुछ नहीं, नेम डिस्ट्रिक्ट कुछ नहीं, वो कोड बच्चों को याद नहीं रहता, हाथ पे लिख के ले जाते हैं, तो जब कभी आप लोगों को मौका मिला कि वो पूछ लेते हैं अच्छा कोड नंबर बताओ, है ना, तो कहीं भी छोटा सा यहां लिख लिया सामने देख के बता दिया, क्योंकि तो आदमी घबराहट बहुत होती वहां, है ना, रियल में होती है ना, आती चीजें भी क्या है गड़बड़ होती है वहां। अब देखिए बेटा क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात की, तो हमारे देखिए बेटा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, अब देख लो बेटा क्या है कि जो हमारे देखिए बेटा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो देखिए बेटा मेकर्स थे उन्होंने कोई भी देखिए बेटा स्पेसिफिक डेफिनेशन स्टेट की नहीं दी, है ना। तो अब देखिए बेटा क्या था, कहने का मींस क्या था कि डेफिनेशन ऑफ देखिए बेटा जब स्टेट की बात की तो उन्होंने कहा कि दैट इंस्टीट्यूशंस देखिए बेटा क्या है विच आर फॉलोइंग्स नोन एज क्या है स्टेट, कि जैसे अब उन्होंने देखिए बेटा क्या कह दिया, यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, ठीक है बेटा, हमारा देखिए बेटा स्टेट गवर्नमेंट एंड देखिए बेटा क्या है स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो पार्लियामेंट में देखिए जैसे लोकसभा राज्यसभा ही आ जाएंगे, गवर्नमेंट पूरी है ही, हमारा देखिए बेटा स्टेट गवर्नमेंट में धामी गवर्नमेंट और देखिए बेटा क्या है स्टेट काउंसिल स्टेट विधानसभा और देखिए बेटा लोकल अथॉरिटीज में देखिए बेटा जैसे पंचायत और नगर पालिका, है ना, ऐसे ही देखिए बेटा क्या है जुडिशरी, अब जुडिशरी का मतलब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब देखिए बेटा जब ये नॉर्मली चीजें कर दी तो इसके साथ साथ देखिए बेटा ये भी सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि दैट इंस्टीट्यूशंस और पर्सन, है ना, हु पार्टिसिपेट 1% or more इन गवर्नमेंट एक्टिविटीज विच इज इंटरगल पार्ट ऑफ स्टेट,
समझ रहे हो कि ऐसा देखिए उठा कोई भी पर्सन या ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशंस जिसका देखिए उठा 1% भी गवर्नमेंट में देखिए उठा क्या है कंट्रीब्यूशन है वो स्टेट का पार्ट है। जैसे कूर्मांचल बैंक स्टेट ऑफ उत्तराखंड तो उसका इंटरगल पार्ट होगा, है ना भाई, पूरा तो नहीं होगा लेकिन एक ब्रांच होगी। ये बात क्लियर हो रही? अब देखिए उठा जब कर ली तो पूछ लेता देखिए उठा कई बार स्टेट के पार्ट कौन कौन से हैं। तो हमारा देखिए उठा डेफिनेशन हमने देख लिया है। अब देखिए उठा यहां पर अगर हम पार्ट की बात करें तो किसी भी देखिए उठा स्टेट के 4 पार्ट हैं। पहला एरिया या आप एरिया की बात कर सकते हैं या बाउंड्रीज की बात कर सकते हैं। तो अब देखिए उठा एरिया जो है हो गई होगा तो एरिया देखिए उठा किसी का कम और ज्यादा हो सकता है, लेस और मोर, है ना, तो इस पर भी देखिए उठा फुली डिसाइड नहीं हो सकते। दूसरा देखिए उठा पॉपुलेशन है, जैसे देखिए उठा चाइना और इंडिया हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड और वेटिकन सिटी मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, कि भाई देखो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड की किसमें है, चाइना में। सेकंड पोजीशन पे कौन है, इंडिया। ऐसे ही देखिए उठा वेटिकन सिटी देखिए उठा ऐसी विश्व की कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है। 2030 तक देखिए उठा क्या है वर्ल्ड में हम पॉपुलेशन में नंबर 1 होंगे, ऐसा इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं, है ना, ठीक है, तो एक जगह तो पहुंच ही जाएंगे नंबर 1 पे, है ना, ठीक है। क्योंकि देखो रीजन क्या है कि जो देखिए उठा हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज आई हमने स्ट्रॉन्ग और देखिए उठा उसको सही से देखिए उठा फॉलो नहीं किया, नहीं अप्लाई किया, ठीक है। चाइना ने क्या किया कि अपनी पॉपुलेशन को देखिए उठा कंट्रोल कर लिया तो वहां ग्रोथ रेट बहुत कम है, हमारे यहां देखिए उठा ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। इसलिए देखिए उठा ये माना जा रहा है कि 2030 जब 1 की देखिए उठा क्या है काउंटिंग होगी तो हम नंबर 1 पे पहुंचे। वहां तो यूथ की दिक्कत है, लोग ही खत्म हो गए चाइना में, सब बूढ़े बूढ़े दिखते हैं, है ना, यंग नहीं दिखते। हमारे यहां देखो बेटा यंग यूथ बहुत ज्यादा है ना, बस हमारे यहां प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा यूथ है देखिए उठा उसका यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पा रहे, जबकि चाइना ने देखिए उठा अपनी पॉपुलेशन का यूटिलाइजेशन कर लिया। बस मतलब अगर इंडिया को देखा जाए ओवरऑल व्यू किया जाए तो इंडिया से देखिए उठा स्ट्रॉन्ग कंट्री कोई नहीं होगी, इंडिया से ज्यादा देखिए उठा नेचुरल रिसोर्सेस किसी के पास नहीं। आज वॉर में भी कहां इतने लोगों को कहां रखेंगे, हमारी आर्मी तो पहले से इतनी बड़ी है भाई, हमारी आर्मी इतनी बड़ी है कि सोच लो कि पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन नहीं होगी इतनी बड़ी, मतलब चाइना तो अच्छा। अब देखो ऐसा है ना, वो तो असम्पशन हो गए एक तरीके के ना, अब चाइना है तो भी सबसे ज्यादा है। अब जैसे मान लो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, मतलब उत्तर प्रदेश देखिए उठा क्या है पाकिस्तान नहीं, मतलब वर्ल्ड का देखिए उठा लार्जेस्ट 5 कंट्रीज है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, 5वीं पोजीशन पर आता है, 6ठी सॉरी, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि यूपी की पॉपुलेशन किन स्टेट से ज्यादा है या किन के इक्विवेलेंट है। न्यूयॉर्क नहीं, केवल आप छोड़ दीजिए किसको, चाइना, इंडिया, ब्राजील और कौन सा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया का ही नंबर, यूपी का ही नंबर है। मतलब अमेरिका से ज्यादा पॉपुलेशन है यूपी की, ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट देखो बेटा मैं डेटा बता रहा आपको। मतलब जब हम सिविल सर्विस जैसे एग्जाम में तो क्या है हमें सब चीज पता होनी चाहिए। अब देखिए उठा 4 पार्ट होनी चाहिए हमारे पास, देखिए उठा एक क्या बता दिया बाउंड्रीज या एरिया, दूसरा देखिए उठा क्या है हमने क्या कर लिया पॉपुलेशन, थर्ड जो देखिए उठा होगा वो होगा गवर्नमेंट, है ना, और एक होगा देखिए उठा सबॉर्डिनेटी। तो इनमें जो सबसे देखिए उठा मेन माना जाता है साउल ऑफ स्टेट वो है देखिए उठा गवर्नमेंट, क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो देखिए उठा पूरी क्या है ऑटोक्रेटिकनेस फैल जाएगी। चांदनी आज ही लाएगी 4 दास, चलो काम करो भाई, फिर तो किसी को जो पैसे वाला होगा फिर तो वही होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, उसका ही कानून चलेगा। हिंदी में बोलते हैं संप्रभुता,
मतलब फाइनल अथॉरिटी जो होगी। ठीक है बेटा, मतलब इसमें क्या आता है, जैसे मतलब ये कह सकते हैं क्या जो नेचर ऑफ गवर्नेंस है वो किस तरीके की होगी, सिंगल पर्सन होगी, ड्यूअल पर्सन होगी, ग्रुपिंग पर्सन होगी, मतलब जो पावर्स होगी वो किस में होगी, सबॉर्डिनिटी है ना, सबॉर्डिनिटी हिंदी में बोलते हैं संप्रभुता है ना, मतलब इसका मतलब क्या है कि द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट जो है देखिए बेटा इंक्लूड वन पर्सन और देखिए बेटा एज वेल एज ड्यूल और ग्रुपिंग। तो इस बेस पे देखिए बेटा हमारी कई सारी देखिए बेटा गवर्नेंस नेचर ऑफ गवर्नेंस है। किसी का पॉलिटिकल साइंस भी रहा क्या? नहीं पढ़ा भी किसी ने? नहीं। देखो जैसे आपने अरस्तु पढ़ा होगा या देखिए बेटा किसी ने जैसे प्लेटो पढ़ा होगा, तो उन्होंने देखिए बेटा 5-6 टाइप्स ऑफ गवर्नेंस बताई। तो 6 टाइप ऑफ गवर्नेंस ही देखिए बेटा क्या है, सबॉर्डिनिटी है। मतलब सबॉर्डिनिटी का मतलब क्या है कि जैसे देखिए बेटा सिंगल पर्सन रूल होगा तो कैसा होगा देखिए बेटा, मोनार्की सिस्टम, कि भाई राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा। ठीक है, ऐसे ही देखिए बेटा क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा। तो उसमें क्या होंगे, डेमोक्रेटिक में क्या है भाई, इलेक्टेड जो पर्सन होंगे पीपल के वो क्या होगी, ये होगा। तो इस तरीके के उन्होंने टाइप्स बताए, तो वो हमारी नेचर ऑफ देखिए गवर्नेंस को दिखाता है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट माना गया वो माना गया देखिए गवर्नेंस।